हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए एग चाइनीज़ वेजीज़, जो बहुत ही ज़बरदस्त और यमी वेजिटेबल्स हैं जो हम बनाएंगे आपके लिए। जिसके लिए हमें जो वेजिटेबल्स रिक्वायर्ड हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे हमें 12 eggs चाहिए होंगे, 1 पाव हमें चाहिए होगी ग्रीन अनियन, 3 मैंने ली हैं नॉर्मल अनियन, और यहाँ पे कैरेट है, कैबेज है, पोटैटो है एंड कैप्सिकम, और हमने थोड़े मटर लिए हैं। ये सब मैंने चीज़ें आधा आधा किलो ली हैं, और इसको जो है हर चीज़ की क्वांटिटी 6 या 5 के दरमियान थी। तो आप इसी तरह से इसको फिर मैंने क्लीन कर लिया। अब मैं इसको कट कर रही हूँ, और हर चीज़ को हमने लॉन्ग में कट करना है। आप देख सकते हैं मैंने सब चीज़ें कट कर ली हैं, और सबको मैंने लॉन्ग शेप में कट किया है। जैसे कि फ्राइज कट करते हैं उतना ही हमारे कैरेट्स और कैप्सिकम और पोटैटोज़ का साइज़ है, और कैबेज को भी मैंने कट कर लिया है। यहाँ एग है जो मैंने वॉश करके रख लिए हैं, स्प्रिंग अनियन को भी कट करके रख लिया है। हमें चाहिए होगी सिर्फ नमक और काली मिर्चें स्पाइसेस के लिए, और थोड़ी सी मैंने हरी मिर्च ली है, उसको भी मैंने लॉन्ग कट करके रख लिया है। 6 मैंने हरी मिर्चें ली हैं जी। सबसे पहले हम मटर बॉईल कर लेते हैं, उसके साथ ही मैं फ्राइज़ बॉईल कर लूँगी। ये देखिए जी, फ्राइज़ मीन्स के पोटैटो जो मैंने कट करके रखे हैं उसी को जो है मैं बॉईल इसी के साथ कर रही हूँ। यहाँ मैंने आधा कप ऑयल लिया है, जिसको मैंने गरम कर लिया है पैन जी में। फ्रेंड्स, इसी तरह से आपने ऑयल को गरम करके अब हमने इसमें प्याज जो हमने ली थी हरी प्याज, उसको हम फ्राई करेंगे, और फिर हम फ्राई करके इसको वापस से डिश आउट कर लेंगे। और फिर आगे की रेसिपी मैं आपके साथ बताती चाहूँगी। आप लोगों ने लाजमी ये डिश ट्राई करनी है, और मुझे कमेंट में बताना है कि आपको कैसी लगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये आप देख सकते हैं प्याज हमारी सौगी हो रही है, जो हरी प्याज हमने ली थी वो अब हम इसको थोड़ा सा फ्राई कर रहे हैं। सौगी फ्राई होगी बस ये। और यहाँ पे हमारे आलू और मटर बॉईल हो रहे हैं। मटर और आलू को हम अलग से इसलिए बॉईल करें ताकि जो है बाकी सब्जियाँ तो जो होती हैं वो क्रंची रहेंगी, सौगी हो जाएंगी, लेकिन इसमें थोड़ा सा कच्चापन रहेगा, इसलिए हम इसको अलग से बॉईल कर रहे हैं। यहाँ पे हमारी प्याज हो रही है फ्राई, अब हम इसको डिश आउट करेंगे। हरी प्याज हमने निकाल ली है। अब हम 3 जो हमने नॉर्मल प्याज स्लाइस की थी उसको जो है अब हम हल्की सी सौगी करेंगे। इसमें से ब्राउन नहीं करनी, हमने सिर्फ सौगी करनी है। अब हम हरी प्याज को कर लिया है, नॉर्मल प्याज भी हमारी ब्राउन हो गई है, सौगी हो गई है। ये देखिए जी, अब हमने इसमें शामिल कर लिया है गाजर और शिमला मिर्च, जो कि हमने लॉन्ग शेप में ही कट करी थी। अब हम इसको फ्राई करेंगे, उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे। बंद गोभी, जो कि मैंने एक बड़ा बंच लिया था, वो मैंने शामिल करी इसमें। अब आप देख सकते हैं साथ साथ हम हरी प्याज भी डाल दी, और ग्रीन चिली जो कि लॉन्ग शेप में कट हुई हुई थी वो मैंने ऐड करी है। और अब मैंने इसमें सबसे आखिर में आलू और मटर जो हमने बॉईल किए थे वो ऐड कर दिए। सॉल्ट टू टेस्ट हमने इसमें ऐड करना है, मैंने 1.5 चम्मच डाला था, आप देख सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। ये मैंने डाली है 1 चम्मच काली मिर्च भर के, और अब हम इसको करेंगे मिक्सअप बहुत हल्के हाथ से, ऊपर नीचे हल्का हल्का सा हमने इसको मिक्स करना है। और फिर आप देख सकते हैं ये ज़बरदस्त सी वेजिटेबल्स, कलरफुल, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, और आपने ज़रूर ट्राई करनी है। ये देखिए जी, आप इसको घर में भी बना के रख सकते हैं, ऑफिस में, बच्चों को लंच में, कभी भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं सैंडविच के तौर पे भी, और हम इसको राइस के साथ और रोटी के साथ भी खा सकते हैं, और रोल में भी बना के खा सकते हैं। बहुत सारी ये हमारे यूटिलाइज होगा। अच्छा जी, यहाँ पे हमने जो 12 अंडे लिए थे इसको मैं अब तोड़ के डाल रही हूँ कढ़ाई में, और आप देख सकते हैं मैंने ये अंडे इसमें शामिल कर दिए, और काली मिर्चें मैंने 1.5 चम्मच डाली, नमक डाला मैंने 1 चम्मच, और ऑयल शामिल किया। अब मैं इसको स्क्रैम्बल करूँगी। स्क्रैम्बल ऐड करने के बाद हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे रेसिपी। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी होती है, आपने लाजमी इसको घर में बनाना है। बच्चों के लिए बहुत मज़े की होती है, ज़्यादा स्पाइसेस नहीं होती इसमें, सिर्फ अनियन और ग्रीन चिली की
स्पाइस हमने ली है और बाकी ब्लैक पेपर, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए जी, अब मैं इसको स्क्रैम्बल कर रही हूँ। जब तक एग फ्राइड हो जाते हैं, स्क्रैम्बल हो जाते हैं, फिर हम इसको शामिल करेंगे वेजिटेबल्स में।